दिल्ली के बारे में हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट शहर रहा है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुगल्स यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी दिल्ली पे काफी ज्यादा ध्यान दिया और इसको एक मेजर सिटी डेवलप करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली का इंपॉर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब 1947 में देश बन जाता है और दिल्ली को कैपिटल सिटी के रूप में अनाउंस किया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि नॉर्थ इंडिया के कई सारे राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से कई सारे लोग अपना फॉर्चून तलाशने के लिए दिल्ली में धीरे धीरे सेटल होने आते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती रहती है। पर आयरनी की बात यह है कि दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन और आउटवर्ड ग्रोथ के साथ दिल्ली की अर्बन प्लानिंग उस हिसाब से नहीं की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली के अंदर कई छोटे छोटे शहर बन गए जिनकी आपस में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं, और ये ट्रेंड आज तक चालू है, जिसकी वजह से दिल्ली आउटवर्ड ग्रो कर रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगातार चलती रहती है। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए।